Dear students, in this module, we are going to talk about the theories of global stratification. And one of the important theories of global stratification is modernization theory. In our previous modules, we discussed the stratifications or the processes of stratification within a society. In these modules, we are going to discuss द ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ स्टेटिफिकेसन दर्जाबंदी का ये निज़ाम जो है महज किसी एक सोसाइटी या एक माशरे या एक ग्रुप या एक कम्यूनिटी तक महदूद नहीं है बल्कि अगर हम थोड़ा गौर करें तो आज की ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर जो ममालिक हैं जो कंट्रीज़ हैं या जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर भी दर्जाबंदी का एक निज़ाम मौजूद है तो उसमें हम देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन थी जो है ये किस तरह से दर्जाबंदी के उस निज़ाम को ट्रीट करती है और उसको इंटरप्रेट करती है सो मॉडर्नाइजेशन थीरी इज़ अ परस्पेक्टिव दैट एक्सप्लेंस ग्लोबल स्ट्रेटिफिकेशन एज़ अ रिजल्ट ऑफ़ टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल डिफ्रेंसिस बिटवीन द सोसाइटीज़ तो मॉडर्नाइजेशन थीरी चूंकि एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तफ माशरों को देखती है ऑब्जर्व करती है और फिर उनको जज करती है तो मॉडर्नाइजेशन थीरीज के जो प्रोपोनेंट्स हैं उनके ख्याल में मुआरे जो हैं वो डेवलपमेंट की स्टेजेस के अंदर जो हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में हैं और जो मुआरा डेवलपमेंट के अंदर हाई स्टेज के ऊपर होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है एज़ कम्पेयर टू दो सोसाइटीज़ विच आर ऑन द लोअर फेज और लोअर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्नाइजेशन थीरी मोर डेवेलप सोसाइटीज़ आर एबल टू मॉडर्नाइज एंड प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ देयर एडवांस टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड वैल्यूज़ तो कोई भी जदीद माशरा जो है वो तभी जदीद बनता है जब उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है एजुकेशन हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ होती हैं उसके लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और इसके साथ साथ जो है मॉडर्न एटीट्यूड होता है या मॉडर्न वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए उस सोसाइटी के अंदर उनको एबजॉर्ब करने के लिए इन्वायरमेंट मौजूद होता है

अगर आप अपने माशरे के अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं इनकलकेट कर लेते हैं तो ही आप डेवलप हो पाएंगे तो ही आप मॉडर्नाइज़ वर्ल्ड का मुकाबला कर पाएंगे और इसके लिए आपको वेस्टर्न वर्ल्ड को जो है इमिटेट करना चाहिए उनको कॉपी करना चाहिए जिस तरह से जिन फेजेस से जिन स्टेजेस से डिवेलप कंट्रीज़ जो हैं जिस प्रोसेस से गुजरे हैं उसी तरह के पैटर्न को जो है बाकी कंट्रीज़ को फॉलो करना चाहिए इसमें ये चीज़ अहम है कि मॉडर्नाइजेशन uh, जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर या मटेरियल चेंज का नाम नहीं है बल्कि इसमें नॉन मटेरियल चेंज भी रिक्वायर्ड है तो मॉडर्नाइजेशन थेरस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि ना सिर्फ आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो इसके अंदर कोई बड़ी तब्दीली आए बल्कि इसके साथ साथ आपके जो आइडियाज़ हैं तस्वरत हैं हती कि जो आपकी लाइफ आइडियोलॉजी है उसके अंदर भी तब्दीली रनमा होनी चाहिए और आपकी लाइफ आइडियोलॉजी वेस्टर्न वैल्यूज के मुताबिक बननी चाहिए सो इन पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडर्नाइजेशन हैज बीन यूज टू जस्टिफाई फॉरन इन्वेस्टमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स सच एज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल इनिशिव तो पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि इसी मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस को फॉलो किया गया जब से पाकिस्तान बना है तब से जो है वह हम फॉरन एड फॉरन इन्वेस्टमेंट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न इंस्टीट्यूशनलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर इहिसार किए हुए हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी जदीद दुनिया के अंदर नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं और ना सिर्फ कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट बल्कि जो आइडियाज़ के अंदर भी तब्दीलियाँ हैं उनको हम किसी न किसी तरह से पाकिस्तानी माशरे के अंदर अबज़ॉर्ब कर सकें हाँ ये एक और बहस है कि क्या वो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं या जो आइडियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो हमारी जो लाइफ आइडियोलॉजी है जिसका डेरिवेटिव सोर्स हमारा रिलीजन है क्या उससे कम्पैटिबल है या नहीं है तो इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू एज़ वेल दैट यू नीड टू सी दैट थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कैसे मॉडर्नाइजेशन की आइडियोलॉजी ने पाकिस्तान के अंदर किस तरह की तब्दीलियाँ लेके आई है मटीरियल चेंजेस किस तरह के आए हैं नॉन मटीरियल चेंजेस किस तरह के आए हैं दूसरे लफ्जों में हमारे जो फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें आप क्या चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं और जो हमारे मैंटल प्रोसेसेस हैं जो हमारे आइडियोलॉजीज़ हैं जो हमारी बिलीफ सिस्टम हैं जो हमारे ओपिनियंस हैं उनके अंदर किस तरह की तब्दीलियाँ लेके आई है